हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे क्लास 8th का 4.3 का क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट देखें तो यहाँ पे इजीली आप देख पाओगे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, MORE। इसे हमें ड्रॉ करना है और इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके अंदर एमओ दिया हुआ है, ओआर, डीएम और डीओ दिया हुआ है। देखिए डिग्री दी हुई है ये एंगल्स की, और डी आर भी दिया हुआ है। देखिए जो चीज गिवन है उसको सबसे पहले नोट डाउन करिए और एक रफ स्केचेस बनाइए ताकि आप विजुलाइज कर पाए कि क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या अप्रोच रखनी है। अब सबसे पहले चीज की ओपी हमें 105 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो 105 पे 105 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने एम ओ ड्रॉ किया और ओ लाइन सेगमेंट को हमने 105 डिग्री का ओ से फॉर्म किया और ओ से लेके आर तक हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाया जो कि आर पे लोकेट कर रहा है। ओ को हमने सेंटर माना और फिर आर से हमने क्या किया, एक एंगल बनाया 105 का। यहां से भी, यहां से तो हमने बनाया 105 का एंगल, यहां से भी हमने 105 का एंगल बनाया। और एंगल बनाते हुए फिर हमने क्या किया, ई और ये जो ई एम है और आर को हमने मिला दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है ई, इसको मिलाने पे राइट यहां से हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। जब हम यहां से 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया तो हम देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट मिल रहा है इंटरसेक्शन जिसका नाम है ई। तो MORE जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉ हो चुका है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहां पे केवल स्टेप्स में बता सकता हूँ, ड्रॉ आपको खुद ही करना होगा। एक प्लान है, पीएल दिया हुआ है, एलए दिया हुआ है, डीपी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप एक रफ डायग्राम बनाइए और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको बहुत ही इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है ना वो होता है 360। तो पी एल ए एन जो होगा वो कम्प्लीटली 360 का आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए ना, अगर आप देखें पी एल ए एन, ये कम्प्लीटली आपको दिया हुआ 360। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे एंगल्स तो आप देखोगे कि यहाँ पे 360 होना चाहिए कम्प्लीटली। तो यहाँ से हमने 75 डिग्री का हमने एंगल बनाया और फिर उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक हमने लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम लिखा ए। तो ये लाइन हो गई, ये कम्प्लीटली एल ए राइट, और ये एल ए ये भी हो गया। यहाँ भी हमने 110 का हमने ड्रॉ किया है, तो आप देख पाओगे 110 यहाँ भी हमने ड्रॉ किया है। और फिर हमने क्या किया, ए एन और पी एन को मिला दिया हमने। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ अ रे एट एंगल 90 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट पी। यहां से हमने 90 डिग्री बनाया है, ये 900 नहीं है बल्कि 90 डिग्री है राइट। यहां से हमने 90, ये 90 हो गया, ये 75 हो गया, ये 110 हो गया। तो इन और इस एंगल को जब आप प्लस करोगे तो 360 का होना चाहिए, ये मैंने पहले ही आपको बताया है राइट। तो देखिए अब जब हम इसको, यहां से हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। देखिए एंगल ड्रॉ करना आपको सीखना पड़ेगा कि एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपने इसके पहले की क्लासेस में भी सीखा होगा, नहीं तो ज्योमेट्री बॉक्स की टूल की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, नो इशू। पी एंड लेट मीट अ पॉइंट एट ए एट एन। तो यहाँ पे ए एन और ये पी एन, जब हम मिलाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा एन। जब इसको मिलाएंगे ना हम, यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे एन, ए टू एन राइट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं पी एन कहेंगे राइट। तो सो पी एल ए एन जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो बन करके तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे। एच ई ए आर ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसमें एच ई ए और डी आर दिया हुआ है हमें कम्प्लीटली। तो ये जो गिवन दिया हुआ है ना एंगल, एंगल आर इक्वल टू दिया हुआ है आपको 85 डिग्री, ई ए आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एच ई आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और आपको एक रफ स्केचेस ड्रॉ करके विजुलाइज कर सकते हैं आप पैरेललोग्राम को। सबसे पहले आप एंगल बनाएंगे 85 डिग्री का और फिर 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे कट लगाएंगे। इसी तरीके से अब जो एच ई है, अब एच ई 5 सेंटीमीटर आपको करना है, ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी हो चुका है, ये 85 डिग्री का हो गया एंगल आपके पास, ये 85 डिग्री का हो गया है कम्प्लीटली राइट। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि कम्प्लीटली जो चीजें आपको दी हुई हैं यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो आर्क हमारी बन रही है जिसमें कि एक 6 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का है, और इस तरीके से कम्प्लीटली एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा आर। जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल चाहिए था वो आपका बन करके तैयार हो जाएगा। जब हम एच आर को और ए आर को मिला देंगे कम्प्लीटली
तो आप देखेंगे कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी, जिसमें कि आर टू एच हमने ज्वाइन कर दिया, और जो भी पैरेललोग्राम है HER, इसको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल ज्वाइन कर दिया। तो इस कंप्लीट पिक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि जो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम था वो हमने बना करके कंप्लीट रेडी कर दिया, जो रिक्वायर्ड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिली रेक्टेंगल जो हमें चाहिए था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना। रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि जो ए वाई होगा वो कंप्लीटली किसके इक्वल होगा, के ओ के, और जो वाई ओ होगा वो ए आर के, ए के इक्वल होगा। तो के ए हमारा 5 सेंटीमीटर है, ओ के हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो आप देख पाएंगे कि जो ओ के है वो 7 है और के ए 5 सेंटीमीटर है। तो जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, आप देखोगे कि ड्रॉ रफ स्केचेस जब हम ड्रॉ करेंगे विजुलाइज करने के लिए, तो चीजें हमें इजीली समझ आएगी। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और 90 डिग्री का एंगल के पे बनाया, और 5 सेंटीमीटर का, ये जो 5 सेंटीमीटर का है वो एंगल वो हमने बनाया। इसी तरीके से ए के जो है वहां पे भी हमने बनाया है और ड्रॉ किया है। यहाँ पे रेडियस आप देखिए 5 सेंटीमीटर का और 7 सेंटीमीटर का। इस तरीके से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा आर है, और इस तरीके से कर करके हमने क्या किया हुआ है, कंप्लीटली ओ आर को ज्वाइन किया और ए वाई को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल था वो बन करके तैयार हो जाएगा। ए वाई और ओ वाई को जब ज्वाइन करेंगे रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारा यही होगा, ओके, राइट। सो यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, और आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चंस हो हम उसको सॉल्व करके आपको कंप्लीट उसके सॉल्यूशंस भी देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।